अपने सहयोगियों में जो कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सोचती हूँ कि आँख लोगों की कमज़ोर है यहाँ, और मैं देखती रही कि बहुत लोगों की आँख यहाँ कमज़ोर है, उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए आप लोग एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, फ़ोटो के सामने में लाइट रखने की, और किसी उम्र के बाद तो आँख ज़रा कम हो जाती है, पर तो भी उसको ताकत देने के लिए कि उससे ज़्यादा ना ख़राब हो, तो एक लाइट आगे की ओर रखने की फ़ोटो के सामने, और एक लाइट हाथ में किसी भी कैंडल स्टैंड में ले करके, और पीछे की साइड में यहाँ पर पीछे की आज्ञा पर ऐसे ऐसे जैसे आरती उतारते हैं इस तरह से आरती उतारते हैं। एक जो सामने बैठे हैं वो तो अपना राइट हैंड फोटो की तरफ में और लेफ्ट हैंड ऐसा करके बैठे, और पीछे में उनकी आरती इस तरह से उतार, और उनको चाहिए कि जब वो आरती हो जाए तब फिर नीचे बैठ करके लाइट के सामने हाथ रखे और राइट हैंड जमीन। लेकिन यहाँ वाइब्रेटेड पानी आपको दिया गया है, उसमें थोड़ा सा जो वाइब्रेटेड शुगर है उसको मिला करके और घोल के चम्मच से, और दो बूंद आँख में डाल लें, चाहे गुलाब जल में मिला लीजिए। गुलाब जल में वो पानी और शुगर मिला के और आँख में डालने का, और थोड़ी देर आँख बंद करके, जब उसका पानी निकल जाए तो ठीक है। और शहद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी के जगह शहद, चीनी अभी करिए, शहद दे देंगे तो शहद वाइब्रेट कर देंगे, शहद आँख में लगा लें और गुलाब जल में पानी डाल के आँख में छोड़ देने से वो धुल जाएगी आँख से। थोड़ी देर शहद लगा के छोड़ दिया, आँख से पानी निकल जाएगा, फिर गुलाब जल में पानी डाल के उससे आँख धोना चाहिए, आँख की रोशनी ठीक होती जाएगी। लेकिन अगर एज ज़्यादा है आपकी, और अगर 50 साल के बाद सिर्फ ये होता है कि जैसी आँख है उतनी रहेगी, उससे बढ़ेगा नहीं, कम से कम इतना हो। और ये कमज़ोरी आती है मछली खाने से, बहुत मछली खाते हैं उसमें फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस खाने से वो फॉस्फोरस हमारे यहाँ बर्न कर जाता है, और इसकी वजह से ये तकलीफ होती है आँख। तो मछली कुछ कम खाए, मुश्किल है बंगाली लोग के लिए। माता जी, प्रयोग क्या रात में सोने से पहले करें? हाँ, कभी भी करिए, सवेरे करिए, सोने से पहले करिए, दो मरतबा करें तो अच्छा है शुरू में। और जिनकी आंखें अच्छी हैं वो भी करें तो उनकी आंख ख़राब नहीं होगी जल्दी।